based on only one formula, time speed distance is equal to speed into time. Now we have to know about the in this the unit is distance ki unit hoti hai kilometer, speed ki distance speed ki unit hoti hai kilometer per hour और मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है हवर और टाइम की होती है सेकंड। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि इसमें कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। तो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर पर हवर इज इक्वल टू होता है कितना, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर एंड हवर्स में होता है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो इट इज 1000 डिवाइडेड बाई 3600। सो नाउ व्हेन अब इसको हम मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद देता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो एक कन्वर्जन होता है सिंपली 1 किलोमीटर पर हवर का मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर हवर में करने के लिए 18/5 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हम ना अनदर टॉपिक कम्स इनटू एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता ही क्यों है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, कोई बी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है कि उसकी स्पीड s1 है और उसको टाइम लग रहा है t1, और फिर बी से सी जा रहा है, स्पीड मतलब उसकी चेंज हो रही है, हमको एवरेज स्पीड चाहिए पूरी एक डिस्टेंस में। तो वही है कि इसमें स्पीड सी से डी की पॉइंट में फिर इसकी स्पीड चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है और ए मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके से एक एग्जांपल जनरल, तो एवरेज स्पीड का दिस फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हम इसी फॉर्मूले से पूरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। तो नीचे मैंने इसको अच्छा सिंप्लीफाई भी किया है, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम पॉइंट ए से बी का लेते हैं कि ए से बी के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है ए टू बी के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। तो एस वन जो स्पीड चली है ए से बी के बीच में, वो जो टाइम ड्यूरेशन हुआ है ए से बी के बीच में, सेम मैंने बी से सी के बीच में लिया है और डी से ई के बीच में भी लिया है, और टोटल टाइम टेकन टी वन लगा ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में टी टू लगा है, और सी से डी के बीच में टी थ्री लगा है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी शो किया। सर कैन आई सर मैं क्या पूरे एग्जांपल को अच्छी तरह से बताऊं? हेलो हेलो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पुट अप किया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी चल रहा है, बी से सी चल रहा है, और सी से डी चल रहा है, और डी से ई चल रहा है। इसके बीच में उसके रिस्पेक्टिव एक ए से बी की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और उसके बीच में स्पीड है उसकी 100 किलोमीटर पर आवर। बी से सी के बीच में उसकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। सी से डी के बीच में डिस्टेंस है उसकी 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, और डी से ई के बीच में उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड है उसकी 400 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या करना है कि ए से ई के बीच में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 100 100 100 400, टोटल टाइम टेकन, टाइम हमको दिया नहीं गया बट हमको डिस्टेंस गिवन है और हमको स्पीड गिवन है। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 100, स्पीड कितनी है 400, फिर बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी 100 और स्पीड कितनी है 200, सी से डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 और उसकी स्पीड कितनी है 300, डी से ई के बीच की डिस्टेंस 100 और उसकी स्पीड है 400। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 192 किलोमीटर पर आवर। सेकंड एग्जांपल आता है कि अब एवरेज स्पीड हमको अलग कॉन्सेप्ट में निकालनी है। कोई एक पॉइंट ए है जो ए से डी जा रहा है और डी से ए आ रहा है, हमको निकालना है इसके बीच में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस, और उसका टाइम कितना होगा टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया हुआ है और इसका मतलब एक जनरल फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज टाइम डिफरेंस कॉन्सेप्ट। टाइम डिफरेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट है जो अपने घर से जा रहा है कॉलेज के बीच में, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। दूसरा आ रहा है कि अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इसकी क्या एक मतलब प्रॉपर स्पीड रहेगा, क्या मतलब की स्पीड रहेगी कि वो प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए। इन सब बीच में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा तो स्पीड टाइम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यह एक एग्जाम्पल है। तो डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। नाउ वी हैव टू पुट स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है लेट,
लेट का मतलब है कोई एक टी टाइम है, उससे अगर लेट आ रहा है 5 मिनट तो टी प्लस 5 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती तो हम इसको आवर में कर देते हैं, तो टी प्लस 5/60 यह इसकी पहली क्वेश्चन होगी। सेकंड, डिस्टेंस अभी भी कांस्टेंट है, स्पीड 30 है, चेंज हुई है, टाइम कितना है 5 मिनट अर्ली, कोई टाइम टी है उससे 5 मिनट अर्ली मतलब जल्दी पहुंच रहा है तो कितना हुआ टी माइनस 5, बट यहाँ पे कैलकुलेशन मिनट में नहीं होगी तो वी डिवाइड बाई 60 टू मेक इट आवर। नाउ सिंपली सॉल्व दिस टू इक्वेशन, नाउ वी फाइंड द टाइम व्हिच इज द एक्यूरेट टाइम 25 सेकंड 25 आवर सॉरी आई एम नॉट डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट द कांस्टेंट डिस्टेंस सो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 वी कैन फाइंड इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। Now, in this year we have to learn about the relative speed. What is the term is relative speed in terms of train. So there is a formula. First we have to know about relative speed में देखना होता है कि क्या होता है। अगर कोई दो object हैं opposite direction में जा रहे हैं तो वह है उनकी direction जो होगी वो plus हो जाएगी या उनकी length होगी plus मतलब plus का sign आएगा, और अगर direction same है तो negative आ जाएगा वहाँ पर sign। तो सेम वहां पर फॉर्मुला लिखा हुआ है, ट्रेन की केसेस में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग, कि कोई ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो कितना समय लगेगा उनको आपस में क्रॉस करने के लिए। तो सेम यहां पर क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगी स्पीड, और अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो निगेटिव हो जाएगी स्पीड। सो दीज आर दीज कॉन्सेप्ट